दिल्ली में एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू का दौर लौट आया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वीकेंड कर्फ्यू का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया। दिल्ली में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया है। यही नहीं, सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि बसें और मेट्रो अभी पूरी क्षमता से चलेंगी। मुसाफिरों की लंबी कतार को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया जा रहा है, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही दफ्तर जाएंगे। निजी दफ्तर 50% क्षमता पर काम करेंगे। यह निर्णय DDMA ने लिया है, 50% निजी दफ्तर क्षमता से चलेंगे, 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली में लौटा वीकेंड कर्फ्यू का दौर। शनिवार और रविवार को दिल्ली में कर्फ्यू, जिस बात की आशंका थी आखिरकार वही हुआ। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। वीकेंड कर्फ्यू के अलावा और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। वीकेंड दफ्तर वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही दफ्तर आ सकेंगे। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। केसेस ना बढ़े इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। दरअसल दिल्ली में पिछले हफ्ते से कोविड केस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ये दिल्ली का कोरोना ग्राफ है। देखिए 7 दिनों में कोविड के मामले में राजधानी में कहां से कहां पहुंच गए। 28 दिसंबर को कोविड के 496 नए मरीज आए थे। 29 दिसंबर को आंकड़ा 923 पर पहुंचा। 30 दिसंबर को 1313 हो गया। 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194 और 3 जनवरी को 4099 नए केस। दिल्ली के ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि येलो अलर्ट के बाद भी दिल्ली में संक्रमण तेजी से हुआ है। अलर्ट का स्तर ऑरेंज तक पहुंच चुका है, यानी खतरे से लेवल 1 से दिल्ली लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। राजधानी के पॉजिटिविटी रेट की रफ्तार से आप इसे समझ सकते हैं। 28 दिसंबर को 0.89%, 29 दिसंबर को 1.23%, 30 दिसंबर को 1.73%, 31 दिसंबर को 2.44%, 1 जनवरी को 3.64%, 2 जनवरी को 4.59% और 3 जनवरी को 6.46%। इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में लगातार खतरनाक इजाफा हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार का लगातार यही कहना है कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो लोगों को, जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कोविड हो रहा है तो खतरा तो है, इसलिए इससे बच के रहना भी जरूरी है। और बच के रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम पूरी तरह से सेफ्टी रखें। बेशक संक्रमण घातक नहीं है, लेकिन संक्रमण अपने साथ पाबंदियों वाली मुसीबत ला रहा है। कोविड को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप तैयार किया है। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
अगर तेजी से बढ़ते हैं कोरोना के मामले जैसे इस समय बढ़ रहे हैं, तो एक एक्शन प्लान है दिल्ली सरकार का, विस्तार से आपको उसके बारे में बताते हैं। इस समय दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी पंकज जैन और श्रिया चैटर्जी इस समय हमारे साथ है। पंकज, क्या क्या प्रतिबंध इस समय राजधानी दिल्ली में लग रहे हैं, और क्या अगर इसी तेज रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो क्या वीकेंड कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? देखिए, बिल्कुल, इस वक्त देश की राजधानी में गौरव येलो अलर्ट लागू है। ये पिछले हफ्ते लागू किया गया था। आज डीडीएमए की जो बैठक हुई है, इसमें दो अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला ये है कि अभी जो वीकेंड आएगा तब वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू होगा। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर 50% क्षमता के साथ ही कर्मचारी और अधिकारी काम कर पाएंगे। बाकी सभी लोगों को कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम को लागू करें। साथ ही साथ पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला कि देश की राजधानी में जो मेट्रो स्टेशन है या बस स्टॉप है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी, लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही थी, और उससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में फैसला लिया गया है कि दिल्ली मेट्रो और जो डीटीसी क्लस्टर की बसें होंगी वहां पर 100% क्षमता के साथ लोग सफर कर पाएंगे, और बसें भी अब सही वक्त पर पहुंच पाएंगी, क्योंकि लंबा इंतजार लोगों को सड़क पर करना पड़ता था। और ऐसी स्थिति में ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में संक्रमण दर किस हद तक आगे बढ़ती है, क्योंकि फिलहाल 8.5% दिल्ली की संक्रमण दर दर्ज हुई है और 5500 के आसपास मामले दर्ज हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में और कोविड केयर सेंटर में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हालात का आकलन करने के बाद ही आने वाले समय में पाबंदियों को लागू किया और जाएगा। यही ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर श्रेया बड़ा प्रश्न भी है कि बहुत तेज रफ्तार से कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रहा है? क्या लोग अस्पताल भी जा रहे हैं या घर पर ही फिलहाल इलाज संभव है? अस्पतालों की किस तरह की तैयारी है इस समय श्रेया? देखिए, ज्यादातर जो ओमिक्रॉन के केसेस हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन में ही ट्रीट हो रहे हैं, और इसी लिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार भी ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत रेड अलर्ट अभी तक इसलिए नहीं जारी की क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन उस मात्रा में नहीं है, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो तैयारी की गई है और जो बेड्स अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, इसके सारे जो नंबर्स है उसके भी आज पूरा स्टडी किया गया डीडीएमए का जो बैठक हुआ 11 बजे में। लेकिन क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन उस मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत फिलहाल रेड अलर्ट नहीं जारी किया गया इस बार। ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी रेट लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट को भी नजर रखा जाएगा जब आगे के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। पंकज, दिल्ली सरकार का असेसमेंट, दिल्ली सरकार का आकलन क्या है? जिस तरह से, जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू से इस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी या पीक जो कुछ यूनिवर्सिटीज का आकलन है कि एंड जनवरी, मिड फरवरी, फरवरी के मध्य तक मामले तेजी से बढ़ेंगे? गौरव, पिछले दिनों हमने दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे सवाल पूछा कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जो मामले बढ़ रहे हैं पीक कब आएगा। उन्होंने ये माना कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में ही पीक आ सकता है, पीक आएगा, मामले तेजी से ऊपर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर मामले नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, और इसे लेके जब हमने सवाल पूछा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन ही लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर मामले बढ़ते हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो उसके लिए भी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ये देखने के लिए मिला था कि ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट देशी राजधानी में तैयार किए गए हैं और ऑक्सीजन बेड, यानी कि अब हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। तो देखना होगा कि क्या ऐसे मरीज सामने आते हैं जिन्हें ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़ती है। गौरव,
रहिए आप दोनों मेरे साथ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 8.5% हो चुकी है, और इसका नतीजा क्या रहा है कि पिछले 24 घंटों में 5,500 नए मामले आए हैं। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के अंदर, सैटरडे संडे कर्फ्यू रहेगा, फुल कर्फ्यू रहेगा, और सरकारी दफ्तर सारे छुट्टी कर दी गई है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पानी के विभाग हैं, बिजली के विभाग हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ डिपार्टमेंट है वो खुलेंगे। प्राइवेट के अंदर 50% ऑक्यूपेंसी से काम कर रहा है, लॉकडाउन नहीं किया गया है, उसको पूरा संजीदगी से देखा जा रहा है। वीकेंड में वैसे ही छुट्टी होती है, एक दिन की छुट्टी होती है, तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया ताकि दो दिन का गैप आ सके। दिल्ली के अंदर अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की आवश्यकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बस क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम। सर, तो मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है सर, अभी कोई मदद की जाती रहेगी। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन को किसी तरह नहीं रोका गया, कंस्ट्रक्शन जैसे पहले चल रही थी चलती रहेगी। आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5% जी। पॉजिटिविटी पे नहीं आइएगा, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी, कितने लोग सीरियस हो रहे हैं, कितने अस्पताल जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट लेवल पे ये था कि कम से कम 500 बेड 7 दिन तक, 500 बेड तो अभी भी नहीं पहुंचे, तो 500 बेड की ऑक्यूपेंसी 7 दिन तक लगातार रहने पे नेक्स्ट लेवल था। ये बड़ी बात कर रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय यह है कि अस्पताल क्या जाने की नौबत आ रही है, फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आ रही है। लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन की जो कार्रवाई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो चलती रहेगी। श्रेया, लॉकडाउन जो वीकेंड पर है और केवल वीकेंड कर्फ्यू है, लॉकडाउन से यह अलग है, क्या क्या, किस किस चीज की अनुमति है और किस किस चीज की अनुमति नहीं है? श्रेया, देखिए, जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें एसेंशियल सर्विसेज के अलावा किसी भी अन्य सर्विसेज या फिर अन्य लोगों का जाना आना बिल्कुल उस पर रोक है। और जैसे कि हम नॉर्मल लॉकडाउन में भी देखे हैं कि जो ऑफिसेज है वो बंद है, गाड़ी की आना जाना, ये सारे पाबंदी बरकरार रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी सर्विसेज को इस वीकेंड कर्फ्यू में अलाउ नहीं किया जाएगा। शुक्रवार रात 10 बजे से ये लॉकडाउन लग जाएगा और मंडे यानी कि सोमवार की रात 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। तो 7 तारीख से ये वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में शुरू हो जाएगी। 7 तारीख से राजधानी दिल्ली में होगा वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन काफी चीजें इस बार इस तरह से की है कि लोगों को सहूलियतें मिलती रहे। पंकज, जिस तरह से मेट्रो में आप सवारी कर सकते हैं, मेट्रो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बसों में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चलती रहेगी, सरकार का प्रयास क्या है कि लोग परेशान भी ना हो और कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका भी जा सके, क्या क्या कदम अब सरकार ग्रेडेड मैनर में उठाने की बात कर रही है अगर ये मामले और बढ़ते हैं? देखिए गौरव, ये बात तो सत्य है कि और सरकार का मानना है कि लॉकडाउन से काफ़ी बुरा असर पड़ता है आर्थिक स्थिति पर और साथ ही साथ उन तमाम लोगों पर जिनकी रोजी रोटी रोजाना कमाने के बाद चलती है। मजदूर जो कि अलग अलग राज्यों से देश की राजधानी में आते हैं, उनके बीच अफवाह ना फैले या फिर उनको दिल्ली छोड़कर, काम छोड़कर अपने राज्य में ना जाना पड़े, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। बाकी दिनों पर कामकाज, निर्माण कार्य जो है देश की राजधानी में वो चलता रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में जो बाजार है उन्हें भी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है गौरव। ऑड इवन फॉर्मूले को अपनाया गया है, यानी कि एक दिन एक नंबर की दुकान खुलेगी तो अगले दिन 2 नंबर की दुकान खुलेगी, और दिल्ली के जितने भी बड़े बाजार हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं, उन सभी जगहों पर इस नियम को लागू किया गया है ताकि किसी का व्यापार चौपट ना हो, उस पर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ जिस तरह की तस्वीर, जिस मेट्रो स्टेशन में हम जा रहे थे, डीटीसी बस स्टॉप या क्लस्टर बस के स्टॉप पे हम जा रहे थे, वहां भीड़ देखने मिल रही थी, लोग घंटों तक इंतजार करते थे दूसरी बस के आने का। तो ऐसी स्थिति में भीड़ से बचने के लिए, संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन हाँ, वीकेंड के दौरान लोगों को दूध लेने जाना है या सब्जी लेने जाना है या फिर कोई इमरजेंसी हालात बन गए, अस्पताल जाना है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को छूट मिलेगी, वो अपने घर से बाहर निकल सकेंगे। नेता जहां ओमिक्रॉन को हल्का वेरिएंट बता रहे हैं, वहीं आम जनता भी कोरोना नियमों को हल्के में ही लेते दिख रही है। दरअसल एक तरफ कोरोना नियम तोड़ने पर चालान कट रहे हैं तो दूसरी तरफ धड़ल्ले से चुनाव की रैलियां भी हो रही हैं।
देश में इस वक्त सब कुछ बढ़ते हुए क्रम में है, कोरोना संक्रमण भी और चुनावी रैलियां भी, नए संक्रमित मरीज भी और रैलियों में जुटने वाली भीड़ भी। कोरोना संक्रमण को लेकर इधर उधर की बातों से राय मत बनाइए। जो लोग ओमिक्रॉन को कम खतरनाक बता रहे हैं वो एक्सपर्ट्स की बात को ध्यान से सुने। देखिए, जैसे कि एक डर था कि फिर से केसेस बढ़ेंगे और क्योंकि फिर से कंप्लेसेंट हो गए थे लोग, सेकेंड वेव से पहले भी यही हुआ था, लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए हैं। वही हुआ है कि अब थर्ड वेव ऑलमोस्ट टकरा रही है हमारे पे, जिस तरह से ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं केसेस, उसी तरह इंडिया में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो रही है। यही बार बार हम इसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको आराम से मत लीजिए, कंप्लेसेंट नहीं होइए, अभी भी पूरी सावधानी करते रहिए। और अब जो एक गलत धारणा है कि ओमिक्रॉन तो माइल्ड वैरायटी है, देखिए हो सकता है कुछ कंपैरेटिवली डेल्टा से माइल्ड सिम्टम्स कर रहा हो लेकिन माइल्ड डिजीज नहीं है, क्योंकि वो फैलता बहुत जल्दी है। और जो चीज जल्दी फैलेगी, जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, जब तादाद बढ़ जाएगी नंबर की तो उनमें से कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली सिक भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को या जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, उनको भी तो इन्वॉल्व करेगा, और खुदा ना खास्ता उनको इन्वॉल्व करेगा तो सीरियस भी हो सकते हैं। दिल्ली का हाल भी देख लीजिए, ऑड इवन में दुकानें खुलने की बात कही गई है लेकिन साप्ताहिक बाजारों में भीड़ की भरमार है, और वायरस किसी भी भीड़ के साथ भेदभाव नहीं करता, वो हर किसी को समान रूप से संक्रमित करता है। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामलों वाले 5 राज्य हैं: महाराष्ट्र जहां 12,160 नए मामले सामने आए, पश्चिम बंगाल जहां 6,078 नए मरीज मिले, दिल्ली जहां 24 घंटे में 4,099 नए मामले सामने आए, केरल में 2,560 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए और तमिलनाडु में 1,728 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले 1,892 पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में 184 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफी बढ़ रहे हैं, जब से ओमिक्रॉन आया है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं, और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं इसको भी जल्द ही हराएंगे। दिल्ली से सटे हरियाणा ने कोविड संबंधी नए नियम जारी किए हैं। पूरे प्रदेश में शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट को 11 बजे तक की छूट मिली है। 1000 से ऊपर केस हो गए हैं, हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें, और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाजार जो है ऑल बाजार 5 बजे तक का समय को दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे, और जितने ऑफिस है उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से खोल सकते हैं। बहुत चीजों के ऊपर ऐसे कड़े कदम लगाए हैं, स्कूल कॉलेज को बंद किया है। बाजार बंद, होटल खुले, भीड़ पर पाबंदी, मगर रैलियों में छूट के आगे लोग भी बेपरवाह होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी करें। ये सलाह सिर्फ जनता पर ही नहीं बल्कि नेताओं और व्यवस्था चलाने वाले अफसरों पर भी लागू होती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर देश और दुनिया को कोरोना महामारी से निजात मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कब और कैसे? ओमिक्रॉन से डरना क्यों जरूरी है? आप डॉक्टरों की जुबानी सुनिए। याद करिए बीते साल अप्रैल मई के महीने को, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बीमार हुए लोगों के फेफड़े पर वायरस ने अटैक किया, सांस लेना मुश्किल हुआ, ऑक्सीजन की किल्लत हुई,
सवाल है दुनिया और देश में ओमिक्रॉन के मरीजों को इलाज करने वाले डॉक्टर अब क्या बताते हैं? क्या ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा के मुकाबले हल्के हैं? जो डेटा आ रहा है वह एक राहत देने वाली बात यह है कि यह जो है माइल्ड है उस डेल्टा के तुलना में देखा जाए अब तक का डेटा की बेसिस पे कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका में भी यही पाया गया। साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने बकायदे रिपोर्ट इसकी जो है प्रकाशित की। कुछ यूके से पेपर भी पब्लिश्ड हो गए, एक्सपेडाइट रिव्यू में उन्होंने प्रीप्रिंट मीडिया में डाला हुआ है कि वह जो है 60-70% तक जो है कम यह है देखा जाए तो हमारे डेल्टा के तुलना में। अब आपको जानना जरूरी है क्या ओमिक्रॉन के मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? एक भी पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हुई, एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दिया गया क्योंकि सारे के सारे रूम ऑक्सीजन पर ही नॉर्मल ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे थे और सभी के वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल थे। ऑल पेशेंट्स रिकवर्ड वेरी वेल एक्सेप्ट फ्यू। तो क्या अल्फा और डेल्टा के मुकाबले फेफड़े पर अटैक नहीं कर पा रहा है ओमिक्रॉन? लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे डेल्टा थे अल्फा थे जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया सेकंड वेव लाया क्या डिफरेंस है? कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज्यादा नहीं करता है? दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रेकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है इसको सबसे अच्छा स्टडी जैपनीज ने किया है, जैपनीज ने पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उन्होंने क्या पाया है, ये मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है वहां तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा है। सेकेंडली कभी भी ये एंटर करता है लंग्स के अंदर तो साइनिकिया बनाता है, जैसे सेल्स होते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक बार ये वायरस अंदर जाता है तो उससे साइनिकिया बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारा ओमिक्रॉन है ये करने में ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। बट एक और चीज है, जो ब्रोंकस है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो सांस के रास्तों का ऊपरी हिस्सा है इसमें इसकी ज्यादा मात्रा है, 70 गुना ज्यादा मात्रा है, इसलिए जल्दी स्प्रेड करता है। ओमिक्रॉन से संक्रमण ज्यादा है, अस्पताल जाने की नौबत कम, फिर भी सावधानी क्यों जरूरी है? ओमिक्रॉन मिलता है तो रिस्क कम है हॉस्पिटल पहुंचने का, बट ये रिस्क रिलेटिव रिस्क है, ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट नो है। अगर डेल्टा वेव में 15 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी 100 पेशेंट्स को अगर डेल्टा अफेक्ट करता है तो इसमें एक या दो है। अपनी इंडियन पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्या है, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, अगर 1000 मेहमान भी लें एक ही पेशेंट प्रभावित है तो भी आपके हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, आपके हॉस्पिटल ओवरफुल हो सकते हैं, ये हमारी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है।